two pipes running together can fill cistern in 6 minutes. If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the cistern, then find the time in which each pipe would fill the cistern. ठीक है, तो मैं पाइप ए को एज्यूम कर लेता हूँ कि वो x मिनट ले रहा है किस्टन को फिल करने में. ठीक है, और गिवन क्या है कि वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर, तो पाइप बी कितना टाइम लेगा, x प्लस 5 मिनट्स. ठीक है, तो व्हाट इज वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट. ठीक है, वर्क डन बाय ए इन 1 मिनट दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x. ठीक है, एक मिनट में वो 1 अपॉन x वर्क करेगा. ठीक है, सिमिलरली वर्क डन बाय b इन 1 मिनट दिस इज अगेन इक्वल टू 1 बाय x प्लस 5. ठीक है, तो b क्या करेगा, एक मिनट में 1 अपॉन x प्लस 5 काम करेगा. ठीक है, गिवन क्या है, जब वो टुगेदर काम करते हैं तो दे फिल द किस्टन इन 6 मिनट्स. ठीक है, तो जब वो टुगेदर काम कर रहे हैं तो a कितना वर्क करेगा एक मिनट में, x प्लस 1 बाय x, और b कितना काम करेगा एक मिनट में, 1 अपॉन x प्लस 5. और क्योंकि वो 6 मिनट में फिल कर रहे हैं तो एक मिनट में कितना काम हो रहा है, एक मिनट में 1 अपॉन 6 काम हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी कि 1 बाई x प्लस 1 बाई x प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. अब मैं यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा x इंटू x प्लस 5, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 प्लस x दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. ठीक है, इम्प्लाई दैट ट्वाइस ऑफ x प्लस 5 इंटू 6 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इम्प्लाई दैट 12x, ठीक है, इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 क्या होगा 30, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. यहाँ से मैं इन सारे टर्म्स को इस साइड ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर, ओके, ये क्या है, माइनस 7x माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x को मैं लिख सकता हूँ माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 0. इम्प्लाई दैट एक्स, अब मैं इन दोनों टर्म्स पे x कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा इन साइड में x माइनस 10, और मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो इन साइड में मिलेगा x माइनस 10 दिस इज इक्वल टू 0. इम्प्लाई दैट x माइनस 10 इंटू x प्लस 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल. यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा, आइदर 10 आ जाएगा और माइनस 3 आ जाएगा. ठीक है, तो देखो अब x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टाइम टेकन बाय a. ठीक है, अब टाइम की तो निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, तो यहाँ से मैं माइनस 3 को कैंसिल आउट कर देता हूँ. ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 के इक्वल हो गई. इसका मतलब जो a है उसे कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स, और b को कितना टाइम लग रहा था, x प्लस 5 मिनट्स विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मिनट्स विच इज इक्वल टू 15 मिनट्स. ठीक है, a को 10 मिनट लग रहा है और b को 15 मिनट लग रहा है. ठीक है, दिस इज माई आंसर.